धमतरी जिले में घरों के कार्यों में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। साथ ही इस घटना के बाद से शहर में सनसनी फैल गई। वहीं वाहन मालिकों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि शहर के शिव चौक और आमा तालाब रोड में घरों के बाहर कारें भी खड़ी थी, जिसे आधी रात अज्ञात युवक के द्वारा तोड़फोड़ किया गया है। तोड़फोड़ करते वक्त एक कैमरे में कैद हुआ है। कोतवाली पुलिस का कहना है कि तोड़फोड़ हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। आज दिनांक 4/7/24 के बीते रात्रि को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा शिव चौक और आमा तालाब पारा के पास बाहर जो वाहन खड़ी हुई थी, चार पहिया वाहन, उसमें तोड़फोड़ की शिकायत प्राप्त लोगों के द्वारा की गई है। 3-4 शिकायतें प्राप्त हुई है और शिकायतों के आधार पर और जांच पर एक संदेही सागर उर्फ चेप्टा को हिरासत में लेकर पूछताछ, उसके बाद जो भी है उचित वैधानिक